नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय दौरे पर अपने गृह जनपद पहुंचे गोरखपुर। गोरखनाथ मंदिर में करेंगे रात्रि विश्राम, सोमवार को लखनऊ के लिए होंगे रवाना। प्रॉपर्टी के विवाद में सगे भाई ने सगे भाई की गड़ासे से काट कर की हत्या। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर भेजा पोस्टमार्टम के लिए। मामला पिपराइस थाना क्षेत्र के मुगलान गांव का, तीनों नामजद अभियुक्त हुए गिरफ्तार। एसपी नॉर्थ ने दी जानकारी। अग्निपथ योजना के विरोध में हो रहे प्रदर्शन को देखते हुए जनपद पुलिस भ्रमरशील रहकर रही अलर्ट। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने कहा, अग्निपथ योजना को लेकर के युवाओं में है कुछ भ्रम की स्थिति। गोरखपुर पुलिस भ्रम दूर करने के लिए लगातार कर रही है प्रयास। किसी के बहकावे में आकर भ्रमित न हो युवा, होगी उत्पादी दल के विरुद्ध कठोर कार्यवाही। चार अंतरराज्यीय शातिर चोरों को चिलाताल पुलिस एसओजी व सर्विलांस की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। चोरी की तीन चार पहिया मालवाहक गाड़ी, एक मोटरसाइकिल, गैस कटर मशीन, एक देसी तमंचा, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस, 5.5 ग्राम अवैध गांजा किया बरामद। एसपी सिटी ने किया खुलासा। शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने वाले पास्को में वांछित अभियुक्त महेंद्र यादव को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। जिला अस्पताल से बीआरडी मेडिकल कॉलेज तक बनाया जाएगा एम्बुलेंस के लिए जिले का पहला ग्रीन कॉरिडोर, ताकि मरीजों की बच सके जान। पुलिस विभाग और 108 एम्बुलेंस चालकों के साथ बैठक कर एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने दिए आवश्यक दिशा निर्देश। दो शातिर मोबाइल चोर को शाहपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। तीन चोरियों का मोबाइल, एक अवैध देसी तमंचा, एक जिंदा कारतूस किया बरामद, भेजा जेल। पुलिस लाइन से सदर अस्पताल के लिए बने ग्रीन कॉरिडोर का एसएसपी ने हरी झंडी दिखाकर किया शुभारंभ। एसपी ट्रैफिक ने कहा, गंभीर मरीजों को रेफर के बाद जल्दी से जल्दी मेडिकल कॉलेज पहुँचाने का रहेगा प्रयास। और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर होने वाले सामूहिक योग के प्रति जागरूकता के लिए पतंजलि योगपीठ के तत्वावधान में निकाला गया मोटरसाइकिल जुलूस। लोगों को 21 जून को वी पार्क में आयोजित योग शिविर में शामिल होने की गई अपील। अब खबरें विस्तार से। आजमगढ़ के बिलरियागंज और चकपानपुर में दो विशाल जनसभा को संबोधित करने के उपरांत अपरहन अपने गृह जनपद दो दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्वप्रथम गुरु गोरक्षनाथ का पूजा अर्चना किया। तत्पश्चात गोरखनाथ मंदिर में स्थित अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के समाधि स्थल पर पहुंचे, जहाँ पर उन्होंने उनके समाधि स्थल पर मत्था टेक कर आशीर्वाद लिया। रात्रि शाम मुख्यमंत्री योगी गोरखनाथ मंदिर में करेंगे। सोमवार को जनता दरबार में नागरिकों की जन समस्याओं को सुनने के बाद लखनऊ के लिए रवाना होंगे। पिपराइस थाना क्षेत्र के पिपरा मुगलान गांव में भाई ने भाई की गड़ासे से काटकर हत्या की। आपको बता दें कि पिपराइस इलाके के पिपरा मुगलान गांव के रहने वाले श्रीकांत शर्मा के तीन बेटे हैं। श्रीकांत के मुताबिक उनका बड़ा बेटा व्यास मुनीश शर्मा पिता से अलग रहता है, जबकि दो बेटे श्याम सुंदर व छोटा बेटा पूरन शर्मा पिता के साथ रहते हैं। बड़ा बेटा व्यास मुनि शुरू से ही प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर घर में विवाद करता था। व्यास अपने पिता पर पूरी प्रॉपर्टी अपनी पत्नी के नाम करने का दबाव बनाता रहता है। इसे लेकर परिवार में पहले भी उसने कई बार पिता और भाइयों से मारपीट की और मामला पुलिस तक भी पहुंचा, लेकिन पुलिस ने कभी इसे गंभीरता से नहीं लिया और रविवार को श्रीकांत के एक बेटे श्याम सुंदर की हत्या हो गई। पिता श्रीकांत के मुताबिक शनिवार की रात से ही व्यास मुनि इस बात को लेकर परिवार में विवाद शुरू कर दिया। रविवार को छोटा बेटा श्याम सुंदर घर पर लोहे का गेट लगवा रहा था, इसे लेकर व्यास ने फिर से विवाद शुरू कर दिया। मामला बढ़ा तो पिता श्रीकांत इसकी शिकायत लेकर थाने पहुंच गए। इस बीच उसने घर पर मौजूद भाई श्याम सुंदर से विवाद शुरू कर दिया। विरोध करने पर बड़े भाई व्यास मुनि ने अपने बेटों के साथ
साथ मिलकर छोटे भाई श्याम सुंदर की गड़ासे से काटकर हत्या कर दी। वहीं घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पिपराइच पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस बारे में SP नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि सगे भाई ने ही सगे भाई की हत्या की है। मिली तहरीर में 3 नामजद के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने 3 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अग्रिम विधि कार्रवाई कर रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मृतक के पिता श्रीकांत शर्मा और दूरभाष पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, का करे के भाई? कौन जरूरत बा भाई, चुप रहो। हमसे काट जाई नहीं, श्रीकांत शर्मा का मामला हुआ है। मामला यह हुआ है कि आज 20 साल के पहले उसका शादी किए हैं। शादी के बाद वो कहा कि हमारे महाराज नाम से खेत लिख दो कुछ। हम कहे हम नहीं लिखेंगे, छोटा बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, सास मुनि मारे हैं, श्याम सुंदर के काटे हैं। यही के नाते तू रही है जिंदा, तो हमारे हिस्सा नहीं बनी। और उनका कहना ना कि सबके मोबाइल में सब्जी हमारा वही संपत्ति। 4 बेर मार चुके हमको, आपको भी मारे, उनके मारे, बहू के मारे, श्याम सुंदर के पूरन के भी डाले हैं। हम तो थाने पर रहने हैं साहब। अच्छा, हाँ वह 11 बजे का घर निकली भाई, 11 बजे का 10 बजे का निकली भाई से काटे हैं, भाला से मारे हैं, छड़े भाला बना के लाठी में पेच के उसी से मारे हैं। जो मरे हैं उनकी कितनी उम्र रही होगी? यह करीब 30 साल। 30 साल, हाँ 30। क्या लेके बात हो गई? 3, हाँ श्याम सुंदर और पूरन, पूरन पूरन शर्मा चेक तीसरा बच्चा। अच्छा, जो मारे हैं वो कौन? सबसे बड़ा, सबसे बड़े हैं। सारा घर एक ही माँ के बच्चे हैं, दोनों दो माँ के? नहीं, एक माँ के, तीनों है, तीनों है ना। पिपराइच के एक गांव में आज एक मकान के विवाद में बड़े भाई ने अपने छोटे भाई की चापड़ मार के हत्या कर दी, जिसमें FIR लिखवाई गई और सभी नामित 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब पुलिस अग्रिम कार्रवाई कर रही है। अग्निपथ योजना के विरोध में हो रहे प्रदर्शन को देखते हुए जनपद पुलिस प्रमंडल रहकर अलर्ट रही, जिसके संबंध में SSP डॉक्टर रिपिन ताडा ने बताया कि अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं में कुछ भ्रम की स्थिति है। उसको दूर करने के लिए गोरखपुर पुलिस लगातार प्रयास कर रही है तथा प्रत्येक सुबह और शाम को युवा शारीरिक प्रशिक्षण तथा दौड़ने के लिए आते हैं। यहाँ पर पुलिस बल के लोग जाकर बात करके भरोसा दिलाते हैं कि उनकी जो भी समस्या है आगे सरकार के स्तर तक पहुंचाई जाएगी। उनको समझाया भी जाता है कि हिंसा का प्रयोग ना करें। उन्होंने कहा कि लगातार गोरखपुर पुलिस ऐसे युवकों के संपर्क में रहेगी। पुलिस लगातार हर स्तर पर सजग है। यदि कोई उत्पाती दल सड़क पर आता है तो उनसे निपटने के लिए भी पुलिस विभाग पूरी तरह से तैयार है, और कोई उत्पाती सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो उसके विरुद्ध कठोर गैंगस्टर से लेकर NSA की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह जो उत्पाती युवा है, यह पढ़ने वाले नहीं है, इनका केवल यही उद्देश्य है कि समाज को नुकसान पहुंचाना है और जो अन्य युवा है उनको भ्रमित करके उनका करियर खराब करना है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि सभी लोग शांति बनाए रखें, अगर कोई भ्रमित करता है तो किसी के बहकावे में आकर भ्रमित ना हो। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP डॉक्टर विपिन ताडा ने कहा, सर।
जी, जो अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं में जो कुछ भ्रम की स्थिति है उसको दूर करने के लिए गोरखपुर पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। प्रत्येक सुबह और शाम को जहां जहां फौज में भर्ती होने वाले युवा दौड़ने के लिए आते हैं, शारीरिक प्रशिक्षण के लिए आते हैं, वहां हमारे पुलिस बल के लोग जाते हैं। आरक्षी, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, सीओज, एसपीज और मैं स्वयं एसएसपी भी जाता हूं और वहां पर उनसे बात की जाती है और उनको भरोसा दिलाया जाता है कि उनकी जो भी समस्याएं हैं वो आगे सरकार के स्तर तक पहुंचाई जाएंगी, परंतु उनको बताया जाता है कि किसी भी परिस्थिति में हिंसा का प्रयोग ना करें, जो अहिंसा है उसके जरिए अपनी जो बात रखनी हो वो रखें। और मुझे यह देखने में आया है कि ज़्यादातर युवाओं को स्कीम की सही जानकारी भी नहीं है, क्या इस स्कीम में लाभ है ये अभी तक युवाओं को पता नहीं है, जिसके चलते भ्रम की स्थिति में वो गलत कदम उठा रहे हैं। साथ ही यह भी देखने में आया है कि वो युवक जिनका की भर्ती का उम्र निकल चुका है, वो युवक इनको भ्रमित करके, कुछ कोचिंग संस्था के लोग हैं, कुछ राजनीतिक लोग हैं जो इनको भ्रमित करके हिंसा करने के लिए इनको प्रोत्साहित करते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें सामने आया है कि सभी छात्रों ने एक सुर में हिंसा को, प्रयोग को एक सिरे से नकार दिया है और जैसा कि आपने देखा गोरखपुर में शांतिपूर्ण रहा है सारा मामला और कहीं भी कोई हिंसा की सूचना नहीं आई है। लगातार गोरखपुर पुलिस ऐसे युवकों से संपर्क में रहेगी और इनको इसके बारे में बताती रहेगी। पुलिस लगातार सजग है, हमारी हर स्तर पर हर प्रकार की तैयारी है। युवाओं से संवाद से लेकर यदि कोई उत्पाती दल सड़क पर आता है उत्पात करने के लिए तो उनसे भी निपटने की हमारी पूरी तैयारी है। और इसमें यदि किसी ने उत्पात की प्रयास किया या कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तो उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, गैंगस्टर से लेकर एनएसए तक किया जाएगा, क्योंकि ये सब जो उत्पात करने वाले हैं ये कोई एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले या पढ़ने वाले युवा नहीं हैं, ये उत्पाती युवा हैं जिनका उद्देश्य है समाज को नुकसान पहुँचाना और जो अन्य युवा हैं उनको भ्रमित करके उनका करियर खराब करना। तो ऐसे लोगों से, अराजक तत्वों से सख्ती से निपटा जाएगा और जो अन्य युवा हैं जिनको कोई समस्या हो तो पुलिस प्रशासन पूरी तरह से उपलब्ध है उनकी मदद के लिए, क्योंकि हमारे स्वयं के कई आरक्षी हैं जो स्वयं पहले सेना में भर्ती के लिए दौड़ लगाया करते थे और आज पुलिस में हैं। ऐसे ही हमने जो सैनिक कल्याण बोर्ड है उनके पूर्व सैनिकों के साथ भी मैंने और जिलाधिकारी महोदय ने मीटिंग की है और उनसे इस स्कीम के बारे में जानकारी की है और एक सुर में हमारे जितने भी पूर्व सैनिक हैं उन्होंने इस स्कीम को सराहा है और उन्होंने यह हमको आश्वस्त किया है कि वो हर प्रकार से सोशल मीडिया के माध्यम से और व्यक्तिगत रूप से भी इस स्कीम के फ़ायदे युवाओं तक पहुंचाएंगे। मेरी सभी से अपील है शांति बनाए रखें और यदि कोई आपको भ्रमित करता है तो भ्रमित ना हो, इस स्कीम की सही जानकारी लें। ये स्कीम सभी के लाभ के लिए है और किसी भी प्रकार की हिंसा का प्रयोग करना सभी के अहित में है, ऐसा ना करें। चिलवाताल पुलिस एसओजी व सर्विलांस की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ में चार अंतरजनपदीय शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने पुलिस लाइन के सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर चार अभियुक्तों को स्पोर्ट्स कॉलेज चौराहा व मुगलहा पेट्रोल पंप के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान श्याम दुबे पुत्र त्रियुगी दुबे निवासी पकवाझार डुमरी थाना कसिया जनपद कुशीनगर, दूसरा अखिलेश कुमार पुत्र नगीना शाह निवासी कैलाश नगर थाना बगहा जिला पश्चिम चंपारण बिहार, तीसरा गुड्डू सिंह पुत्र कैलाश सिंह निवासी बसंतपुर थाना रामपुर कारखाना जनपद देवरिया, चौथा हरिराम राजभर पुत्र शिव राजभर निवासी पकवाझार परसुनिया टोला थाना कशिया जनपद कुशीनगर के रूप में हुई है, जिसके पास से तीन चोरी का मालवाहक चार पहिया गाड़ी, चोरी का एक मोटरसाइकिल, एक देसी तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस, चोरी में प्रयोग की गई गैस कटर, 5.5 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया है। एसपी सिटी ने बताया कि जब पुलिस फोर्स की संयुक्त टीम द्वारा अभियुक्तगढ़ को पकड़ने हेतु स्पोर्ट्स कॉलेज चौराहे के पास पहुंची तो पुलिस वालों को देखकर अभियुक्त श्याम दुबे द्वारा घबराहट में मोटरसाइकिल को घुमाकर भागने का प्रयास किया, परंतु वह मौके पर ही गिर गया। इसी क्रम में अभियुक्त श्याम दुबे द्वारा पकड़ लिए जाने के डर से पुलिस वालों पर एक राउंड फायर भी किया, परंतु पुलिस ने अपने सुरक्षा करते हुए अभियुक्त श्याम दुबे और उसके साथियों को बिना किसी क्षति के गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि पूछताछ में ज्ञात हुआ कि अभियुक्त द्वारा पहले गाड़ियों को चोरी करके उन्हीं चोरी की गाड़ियों से अवैध गांजा एवं मादक पदार्थ को बेचने का कार्य किया जाता है और
मादक पदार्थ गांजा को बेचने के उपरांत पकड़े जाने से बचने के लिए गैस कटर की मदद से चोरी की गाड़ियों को काट कर कबाड़ी को बेच दिया जाता है तथा पहले भी हम लोगों द्वारा दर्जनों गाड़ियों को पार्ट पार्ट में काट कर कबाड़ी के हाथों बेच चुके हैं। उन्होंने बताया कि चारों अभियुक्तों के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया और गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को 25,000 का इनाम दिया जाता है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में चिलौताल थाना प्रभारी प्रदीप शर्मा, वरिष्ठ उप निरीक्षक सोनेन्द्र सिंह, एसओजी प्रभारी मनीष कुमार यादव, सर्विलांस प्रभारी धीरेन्द्र राय, उप निरीक्षक घनश्याम उपाध्याय, बाल गंगाधर शुक्ल, कांस्टेबल सोनू यादव, धर्मेंद्र यादव, विजय कुमार गौर सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, राजघाट वाली 8 और ये 8 भी है ना, किसी का किया किसी ने कोई जानकारी नहीं है। बाइक कहाँ से लाया है? बाइक परिवार की चोरी की इन्होंने। गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर रोकथाम लगाने के लिए आज एक अंतर राज्यीय गैंग वाहन चोरों का पर्दाफाश किया है। इसमें थाना चिलवाताल एवं राजघाट तथा सर्विलांस एवं एसओजी द्वारा एक बहुत अच्छी कार्रवाई की गई है, जिसमें 3 टाटा एस मैजिक गाड़ियां, 1 चोरी की मोटरसाइकिल एवं पुलिस मुठभेड़ में बरामद किया गया एक असला एवं एक अदद मोबाइल एवं 5.5 किलो गांजा भी बरामद हुआ है। इसमें 4 अभियुक्त पकड़े गए हैं। इसमें जो सरगना है, मुख्य सरगना, उसका नाम श्याम दुबे है, जो कुशीनगर का रहने वाला है, बिहार के रहने वाले अखिलेश नाम का है, ये पश्चिमी चंपारण बिहार का रहने वाला है, जो कि यहाँ से गाड़ियाँ ले जाने के बाद में बिहार में बेतिया में गाड़ी कटान का काम करता था। गुड्डू सिंह और हरे राम नाम के देवरिया एवं कुशीनगर के रहने वाले 2 और अभियुक्त भी इसमें गिरफ्तार किए गए। इन लोगों ने थाना राजघाट में, थाना कैंट में एवं खलीलाबाद में 3 जगहों पर चोरी की गई गाड़ियां जो है ये इसी साल की चोरी की गई गाड़ियां हैं, लेकिन ये 2 साल से सक्रिय थे एवं पहली बार पकड़ में आए। शहर में रहने का इनका कोई ठिकाना नहीं है। ये लोग आते थे, घटना करते थे, घटना करने के बाद में वापस चले जाते थे। इनका अन्य जिलों से भी ये चोरियाँ करते रहे हैं एवं बिहार, यहाँ से जितनी भी गाड़ियाँ हैं चोरी करके बिहार ले जाते थे एवं बिहार से भी गाड़ियाँ चोरी करके यहाँ आसपास की कबाड़ियों में बेचते थे। सारी कबाड़ियों में पता लगाया जा रहा है कि ये कहाँ कहाँ गाड़ी कटान करते थे, क्योंकि इनके पास एक गैस कटर भी बरामद हुआ है, जो श्याम दुबे, जो मुखिया सरगना है, ये गाड़ी कटान का काम करता है। बेतिया में एक टीम बनाकर स्पेशल टीम बेतिया जाएगी DIG सर की परमिशन के बाद में, और अखिलेश जो कि बिहार से हैं, ये गाड़ी कटान का काम बिहार में करवाते थे और यहाँ से खरीदने थे गाड़ी लेने के बाद में। इनके पास एक तमंचा बरामद हुआ है, जिससे उन्होंने पुलिस पे फायर किया था।
कैंट पुलिस ने पास्को एक्ट में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को मुंशी प्रेमचंद पार्क बेतिहाता से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान महेंद्र यादव पुत्र अमरजीत यादव निवासी सिंघौली थाना हरपुर बुधहट जनपद गोरखपुर हाल पता पोहरी पार थाना बांसगांव गोरखपुर के रूप में किया गया है। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़िता द्वारा उसके साथ तमन्ना क्लिनिक बेतिहाता निकट मुंशी प्रेमचंद पार्क पर काम करने वाले महेंद्र यादव से जान पहचान होने के बाद महेंद्र यादव द्वारा शादी का झांसा देकर वादनी के साथ शारीरिक संबंध बनाने के बाद में शादी से इनकार करने के संबंध में कैंट थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, उप निरीक्षक विशाल कुमार शुक्ला, कांस्टेबल शिवम तिवारी मौजूद रहे। चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय दौरे पर अपने गृह जनपद पहुंचे गोरखपुर। गोरखनाथ मंदिर में करेंगे रात्रि विश्राम, सोमवार को लखनऊ के लिए होंगे रवाना। प्रॉपर्टी के विवाद में सगे भाई ने सगे भाई की गड़ासे से काट कर की हत्या। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर भेजा पोस्टमार्टम के लिए। मामला पिपराइस थाना क्षेत्र के मुगलान गांव का। तीनों नामजद अभियुक्त हुए गिरफ्तार। एसपी नॉर्थ ने दी जानकारी। अग्निपथ योजना के विरोध में हो रहे प्रदर्शन को देखते हुए जनपद पुलिस भ्रमरशील रहकर रही अलर्ट। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने कहा, अग्निपथ योजना को लेकर के युवाओं में है कुछ भ्रम की स्थिति। गोरखपुर पुलिस भ्रम दूर करने के लिए लगातार कर रही है प्रयास। किसी के बहकावे में आकर भ्रमित न हो युवा, होगी उत्पादी दल के विरुद्ध कठोर कार्यवाही। चार अंतरराज्यीय शातिर चोरों को चिलाताल पुलिस एसओजी व सर्विलांस की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। चोरी की तीन चार पहिया मालवाहक गाड़ी, एक मोटरसाइकिल, गैस कटर मशीन, एक देसी तमंचा, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस, 5.5 ग्राम अवैध गांजा किया बरामद। एसपी सिटी ने किया खुलासा। शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने वाले पास्को में वांछित अभियुक्त महेंद्र यादव को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। जिला अस्पताल से बीआरडी मेडिकल कॉलेज तक बनाया जाएगा एम्बुलेंस के लिए जिले का पहला ग्रीन कॉरिडोर, ताकि मरीजों की बच सके जान। पुलिस विभाग और 108 एम्बुलेंस चालकों के साथ बैठक कर एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने दिए आवश्यक दिशा निर्देश। दो शातिर मोबाइल चोर को शाहपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। तीन चोरियों का मोबाइल, एक अवैध देसी तमंचा, एक जिंदा कारतूस किया बरामद, भेजा जेल। पुलिस लाइन से सदर अस्पताल के लिए बने ग्रीन कॉरिडोर का एसएसपी ने हरी झंडी दिखाकर किया शुभारंभ। एसपी ट्रैफिक ने कहा, गंभीर मरीजों को रेफर के बाद जल्दी से जल्दी मेडिकल कॉलेज पहुँचाने का रहेगा प्रयास। और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर होने वाले सामूहिक योग के प्रति जागरूकता के लिए पतंजलि योगपीठ के तत्वावधान में निकाला गया मोटरसाइकिल जुलूस। लोगों को 21 जून को वी पार्क में आयोजित योग शिविर में शामिल होने की गई अपील। पेगस निशान, गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल्स सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसर गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर
फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई। रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। मटको मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाएं। दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044664300। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने रविवार को पुलिस लाइन के पुलिस सभागार कक्ष में पुलिस विभाग और 108 एम्बुलेंस चालकों के साथ बैठक की तथा दिशा निर्देश दिए, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि जिला अस्पताल से बीआरडी मेडिकल कॉलेज तक पुलिस विभाग द्वारा ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसमें जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज मार्ग में पड़ने वाले शहर के विभिन्न थाना चौकी, ITMS कंट्रोल रूम सहित सभी पुलिस कर्मियों की भागीदारी रहेगी। सभी के सहयोग एम्बुलेंस को प्रत्येक चौराहे पर ग्रीन सिग्नल देते हुए ट्रैफिक कंट्रोल के रास्ते उपलब्ध कराते हुए चौराहा से होते हुए कम से कम समय 15 मिनट में निश्चित गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा, ताकि 108 एम्बुलेंस को सुविधा कराई जाए और अपने मरीजों को 10 मिनट के अंदर जिला अस्पताल से बीआरडी मेडिकल कॉलेज ले जा सके, जिससे मरीजों की जान बच सके और ज्यादा से ज्यादा सुविधा उपलब्ध कराया जा सके। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे यह स्कीम दूसरे मार्गों पर भी उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि एम्बुलेंस को रास्ता सबसे पहले दें, जिससे एम्बुलेंस जल्द से जल्द मरीज को लेकर अपने गंतव्य तक पहुंच जाए तथा आम जनमानस को जागरूक करने के लिए प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। इस अवसर पर एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह, 108 एम्बुलेंस के प्रभारी प्रवीण पांडे सहित एम्बुलेंस के चालक, ITMS के कर्मचारी एवं अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने कहा, सभी चौकीदार और उसके इतना जल्दी उतना और बेहतर देंगे ना। ये है ना, जैसे आपको सूचना मिली कि जाना है, वैसे ही आपके दिमाग में अगला यही रेस्पॉन्स आना चाहिए कि चलो कंट्रोल रूम को बता दें, एक काम करना ही है। आपके लिए करें या आपके लिए करें या इनके लिए करें या पब्लिक के लिए करें या नेता के लिए करें, हमको सबके लिए काम करना है। तो आप अपना मान के कंट्रोल रूम को इस्तेमाल करें, मेरा ये कहना है। आप बिल्कुल एजिटेट ना करें, ठीक है। अगर हम सब मिलके किसी व्यक्ति की जान भी बचा लेते हैं, एक व्यक्ति की भी जान अगर दिन में बच जाती है, दिन के लिए साल में 365 व्यक्तियों की जान बचती है, 365 व्यक्ति मतलब 365 परिवार बच गए, तो इससे बड़ा पुण्य का काम क्या होगा। लोग तो कहां पाप धोने जाते हैं, हम तो प्रतिदिन मौका मिलता है हमको तो पाप धोने का, अपना जो गलती हुई है तुरंत सुधार लें, तो भगवान वैसे ही प्रसन्न हो जाएगा कि चलो एक आदमी की तो जान बचाई होगी। और जान लेना तो दुष्टों का काम है, जान बचाना वाकई में भगवान का काम होता है। तो जान तो ले ही लेते हैं अपराधी, जान बचाने का काम हम सब मिलके करें तो ये वाकई में एक अच्छा यादगार बनेगी और आप लोगों को भी याद रहेगा कि आपने जीवन में कितना बढ़िया काम किया
बच्चे होंगे आपके, कहीं आप जाएंगे इनपुट देंगे, कहीं किसी अगला एम्प्लॉयमेंट में आप जाएंगे तो बताने के लिए आपके पास चीज़ें होंगी कि साहब ये सिस्टम सेट हुआ था, उसमें रहेगा। अब इसमें कितने चौराहे होंगे रास्ते में सदर हॉस्पिटल से बिहारी तक जो अपने ITMA से कंट्रोल है? VVIP जब निकलते हैं कुछ सिलेक्टेड लोगों के लिए सिग्नल जो है जिस रास्ते पे होते हैं वो धड़ाधड़ ग्रीन होते रहते हैं, तो उनको कहीं जाम नहीं मिलता। वो सब जब जिस चौराहे पे पहुंचने वाली हो उससे 5 सेकंड पहले वो ग्रीन हो जाए ताकि जो भीड़ है वो भी निकलती रहे और आपकी एम्बुलेंस भी निकल जाए उसी के साथ में। तो ये अच्छा। दूसरा, इसमें जितने लोग चौराहे पर फंस गए तो उससे बढ़िया कुछ दिन नहीं होगा, उसको करेंगे। दूसरा, आपके जो चौकी इंचार्ज है कौन कौन से आए हैं आपके इनमें से, तो आप लोग जो है इसको संपर्क में रहिएगा क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप हर वक्त वहाँ चौराहे पे उपलब्ध रहेंगे, है ना। लेकिन आपके चौकी के जो लोग हैं उनको सबको ब्रीफ रहे होमगार्ड से लेकर सिपाही तक कि भाई जब ग्रीन को हमारे पहले ये बताएं सदर अस्पताल से PRT जाने वाली वो सिर्फ आपकी ही होती है, तो ये तो हमारा रूट क्लियर नहीं। दूसरा ये है कि जैसे आपकी गाड़ी आएगी तो आप लोकेशन बता देंगे कि मैं अभी कॉल किया हूँ, मैं इस जगह शुरू कर देते हैं तो हम ट्रैक कर लेंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं है। और उसी में अगर आपकी गाड़ी के अंदर भी कोई दूसरी प्राइवेट एम्बुलेंस भी निकल जाए, आज पुलिस लाइन गोरखपुर में पुलिस विभाग और 108 एम्बुलेंस के जो हमारे कर्मी हैं उनके साथ मीटिंग की गई। इसमें यह तय किया गया है कि सदर अस्पताल से लेकर BRD तक पुलिस विभाग द्वारा एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा। ये पुलिस विभाग और हमारे गोरखपुर पुलिस की एक इनिशिएटिव है जिसमें कि प्रयास यह है कि जो हमारे एम्बुलेंस के साथी हैं जिनको मरीजों को लेकर जाना होता है उनको ऐसी सुविधा उपलब्ध करवाई जाए कि उनको रास्ते में कहीं रुकना ना पड़े बिल्कुल भी, और 10 मिनट के अंदर वो सदर अस्पताल से BRD हॉस्पिटल तक अपने मरीजों को ले जा सकें। उद्देश्य दोनों का यह है कि इसमें मरीजों की जान बचे और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर सुविधा इन्हें उपलब्ध करवाई जा सके समय रहते। धीरे धीरे इस स्कीम के संचालन के पश्चात ये स्कीम दूसरे मार्गों पर भी जारी की जाएगी और प्रयास ये रहेगा कि लोगों में जागरूकता आए कि जहाँ भी एम्बुलेंस जाती है एम्बुलेंस को रास्ता सबसे पहले दें और बिना रुके एम्बुलेंस हर जगह से निकलकर अपने गंतव्य की ओर बहुत जल्दी पहुँचे। आम जनमानस को जागरूक करने के लिए इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है और स्कीम जब जारी होगी तो प्रत्येक चौराहे पर इसका ऐलान भी किया जाएगा, इसे प्रचार प्रसार मीडिया के माध्यम से भी किया जाएगा। इसी को लेकर आज एक जागरूकता रैली भी निकाली जा रही है, ग्रीन कॉरिडोर रैली इसका नाम दिया गया है और इसको अभी पुलिस लाइन से शुरू करके ज़िला अस्पताल तक ये रैली जाएगी जिसमें पुलिस विभाग और चिकित्सा विभाग जो 108 एम्बुलेंस है वो संयुक्त रूप से इस रैली को करेंगे। शाहपुर पुलिस ने 2 शातिर मोबाइल चोरों को गिरफ्तार किया है जिसके संबंध में शाहपुर थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर 2 अभियुक्तों को धर्मशाला पुल के नीचे बौलिया रेलवे कॉलोनी जाने वाले रास्ते के मोड़ से गिरफ्तार किया गया है जिसकी पहचान आदित्य कुमार चौहान पुत्र मोहन चौहान निवासी बशारतपुर पुराना पेट्रोल पंप निकट जेल रेस्टोरेंट थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर, दूसरा जितेंद्र पुत्र राम आधार निवासी गांगुली टोला बशारतपुर थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिनके पास से 3 मोबाइल, 1 अवैध देसी तमंचा, 1 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। शाहपुर थाना प्रभारी ने बताया कि दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में शाहपुर थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा, उप निरीक्षक कुंवर गौरव सिंह, राकेश कुमार, पप्पू राय, कांस्टेबल चंदन चौहान, अवधेश बिंद शामिल रहे। SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा के तत्वावधान में पुलिस लाइन से SSP ने ग्रीन कॉरिडोर का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया तथा एम्बुलेंस को पुलिस लाइन से सदर अस्पताल के लिए रवाना किया जिससे इमरजेंसी केस को 15 मिनट में प्रत्येक एम्बुलेंस सदर अस्पताल से मेडिकल कॉलेज का सफर तय कर सके। जिसके संबंध में SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि घायल मरीजों को जिला अस्पताल से तुरंत BRD मेडिकल कॉलेज पहुंचाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर योजना के तहत 108 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर
रवाना किया गया है। उन्होंने बताया कि पूरा प्रयास रहेगा कि गंभीर मरीजों को रेफर के बाद जल्दी से जल्दी मेडिकल कॉलेज पहुंचा सके। 108 एम्बुलेंस पुलिस लाइन से निकलकर जिला अस्पताल के लिए रवाना हुई। उसके बाद जब एम्बुलेंस मरीज को लेकर बीआरडी मेडिकल कॉलेज जाएंगे तो उनके लिए हर चौराहे पर ट्रैफिक क्लियर रहेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, घायल मरीजों को तुरंत जिला अस्पताल से उनका रेफरल सेंटर बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचाने के लिए आज पुलिस लाइन में 108 के सभी चालकों के साथ एसएसपी महोदय द्वारा गोष्ठी की गई। गोष्ठी करके उनको दिशा निर्देश दिए गए और आपसी सहयोग और समन्वय से हमारा ये प्रयास होगा कि गंभीरतम मरीजों के लिए जिनको चिकित्सा की तुरंत आवश्यकता होती है जल्दी से जल्दी हम उनको एम्बुलेंस के लिए रेफरल हॉस्पिटल पहुंचा सकें। इसी संबंध में एसएसपी महोदय द्वारा जिला अस्पताल के एम्बुलेंसेस के लिए इस ग्रीन कॉरिडोर योजना के तहत हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। सर ये पुलिस लाइन से निकल कहाँ गई एम्बुलेंस? पुलिस लाइन से निकल कर एम्बुलेंस फ़िलहाल तो जिला अस्पताल के लिए गई और आगे जब मरीज़ को लेके ये जब भी बीआरडी हॉस्पिटल जाएंगी तो इनके लिए हर चौराहे पर ट्रैफिक क्लियर मिलेगा, ऐसी हमारी योजना है। इस योजना को शीघ्र ही अमल में लाया जाएगा। पतंजलि योगपीठ के तत्वावधान में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शास्त्री चौक से महानगर में मोटरसाइकिल जुलूस निकाला गया, जिसके संबंध में पतंजलि योगपीठ के जिला प्रभारी हरि नारायण धर दुबे ने बताया कि भारत के 75 मुख्य स्थानों में से एक गोरखपुर का भी चयन हुआ है। पतंजलि योगपीठ के तत्वावधान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार स्वामी रामदेव महाराज के निर्देशन में यह विशेष योग महोत्सव का आयोजन हो रहा है, जिसको देखते हुए मोटरसाइकिल रैली निकाली गई है, जिससे 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मोहद्दीपुर में स्थित राष्ट्रीय उद्यान वी पार्क में सुबह 5 बजे से 7 बजे तक ज्यादा से ज्यादा लोग उपस्थित होकर भाग ले सके। इस अवसर पर पतंजलि योगपीठ के ब्रजमोहन, हरि नारायण धर दुबे, राजेंद्र मणि त्रिपाठी, ममता श्रीवास्तव, गौरी सारिका श्रीवास्तव, राजेंद्र प्रसाद यादव, शेषमणि पांडे, जितेंद्र कुमार शुक्ला, सत्य प्रकाश पदेशिया, जयदीप जायसवाल सहित अन्य लोग शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पतंजलि योगपीठ के जिला प्रभारी हरि नारायण धर दुबे ने कहा, हरि नारायण धर दुबे जिला प्रभारी भारत स्वाभिमान न्यास
पतंजलि योग पीठ हरिद्वार। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और पूरे भारत के 75 जगहों में चुने गए स्थानों में एक गोरखपुर है, जो प्रधानमंत्री जी की इच्छा के अनुसार पतंजलि योग पीठ के तत्वाधान में पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के निर्देशन में राजकीय उद्यान भी पार्क में जो कार्यक्रम होने जा रहा है योग दिवस का, उसके प्रति लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए, लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए योग दिवस पर सम्मिलित होकर के अमृत महोत्सव के वर्षगांठ पर शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि दें इस योग के माध्यम से। कितने लोग शामिल होंगे? हमारा तो अंदाज है कि 5000 के आसपास लोग सम्मिलित होना चाहिए। क्या संदेश देना चाहते हैं मोटरसाइकिल जुलूस? मोटरसाइकिल जुलूस से संदेश ये देना चाहते हैं कि जहाँ से जुलूस निकलेगा लोग देखेंगे कि किस बात का जुलूस है, योग का है, योग महोत्सव के लिए है, लोगों को आकृष्ट करने के लिए है, लोगों को आमंत्रित करने के लिए है। हैंडबिल भी बांटे जा रहे हैं, अब बैनर भी लगाए गए हैं और लोगों से सुबह जनसंपर्क भी किया जा रहा है। जितनी योग कक्षाएं हैं, योग शिक्षक हैं, सभी लोग मिल करके इस प्रयास में हैं कि कहीं भी सम्मिलित हों सारे नागरिक इस देश के। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर अपने गृह जनपद पहुंचे गोरखपुर। गोरखनाथ मंदिर में करेंगे रात्रि विश्राम, सोमवार को लखनऊ के लिए होंगे रवाना। प्रॉपर्टी के विवाद में सगे भाई ने सगे भाई की गड़ासे से काट कर की हत्या। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर भेजा पोस्टमार्टम के लिए। मामला पिपराइस थाना क्षेत्र के मुगलान गांव का, तीनों नामजद अभियुक्त हुए गिरफ्तार। एसपी नॉर्थ ने दी जानकारी। अग्निपथ योजना के विरोध में हो रहे प्रदर्शन को देखते हुए जनपद पुलिस भ्रमरशील रहकर रही अलर्ट। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने कहा, अग्निपथ योजना को लेकर के युवाओं में है कुछ भ्रम की स्थिति। गोरखपुर पुलिस भ्रम दूर करने के लिए लगातार कर रही है प्रयास। किसी के बहकावे में आकर भ्रमित ना हो युवा, होगी उत्पादी दल के विरुद्ध कठोर कार्यवाही। चार अंतरराज्यीय शातिर चोरों को चिल्लाताल पुलिस एसओजी व सर्विलांस की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। चोरी की 3 चार पहिया मालवाहक गाड़ी, 1 मोटरसाइकिल, गैस कटर मशीन, 1 देसी तमंचा, 1 खोखा कारतूस, 1 जिंदा कारतूस, 5.5 ग्राम अवैध गांजा किया बरामद। एसपी सिटी ने किया खुलासा। शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने वाले पास्को में वांछित अभियुक्त महेंद्र यादव को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। जिला अस्पताल से बीआरडी मेडिकल कॉलेज तक बनाया जाएगा एम्बुलेंस के लिए जिले का पहला ग्रीन कॉरिडोर, ताकि मरीजों की बच सके जान। पुलिस विभाग और 108 एम्बुलेंस चालकों के साथ बैठक कर एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने दिए आवश्यक दिशा निर्देश। दो शातिर मोबाइल चोर को शाहपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। 3 चोरियों का मोबाइल, 1 अवैध देसी तमंचा, 1 जिंदा कारतूस किया बरामद, भेजा जेल। पुलिस लाइन से सदर अस्पताल के लिए बने ग्रीन कॉरिडोर का एसएसपी ने हरी झंडी दिखाकर किया शुभारंभ। एसपी ट्रैफिक ने कहा, गंभीर मरीजों को रेफर के बाद जल्दी से जल्दी मेडिकल कॉलेज पहुँचाने का रहेगा प्रयास। और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर होने वाले सामूहिक योग के प्रति जागरूकता के लिए पतंजलि योग पीठ के तत्वावधान में निकाला गया मोटरसाइकिल जुलूस। लोगों को 21 जून को वी पार्क में आयोजित योग शिविर में शामिल होने की गई अपील। अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।